हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि एडिशन ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे वेरिएबल्स हो गया, टर्म्स हो गए या कांस्टेंट होते हैं, वो हम किसको कहते हैं, या लाइक साइन या अनलाइक साइन क्या क्या है, कि वो हमने प्रीवियस में देखा। तो आज हम देखेंगे कि जो टर्म्स होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, उनको हम किस तरीके से ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं। दो एग्जांपल को समझकर हम जो एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, वो हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखें कि ये जो एग्जांपल है, उसके हिसाब से हम बेसिक के हिसाब से यहाँ से स्टार्ट करें कि यहाँ पे ये एक इक्वेशन है कि 7x प्लस में 5 प्लस में क्या है कि 3x। अब हमें क्या करना है कि इसको ऐड करना है। ठीक है, तो इससे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि लाइक साइन और अनलाइक साइन क्या होता है, वो हम प्रीवियस में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि लाइक साइन ऐसा जो एक जैसे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि लाइक कहते हैं, जो अनलाइक होता है, जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं कि ये अनलाइक हैं। तो यहाँ पे क्या हम 7x प्लस में 5 को ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि अनलाइक है। यहाँ पे 7x है और यहाँ पे क्या है कि 5 है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। क्या है? इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब देखेंगे जो आप कभी भी मतलब के जो अनलाइक होते हैं उनको ना तो आप जो सब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना आप उनको वेरिएबल उनके ना आप उनको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि ये भी क्या है कि एक से और ये भी क्या है कि एक से एक। उससे पहले आपको एक और कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि लाइक साइन। अब लाइक साइन किस पे डिपेंड करती है और किस पे डिपेंड नहीं करती है? देखें कि लाइक साइन में वेरिएबल और जो पावर है वो क्या होना चाहिए कि सेम होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं कि लाइक कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक्स का पावर क्या है कि 1 है और इसका भी पावर क्या है कि 1 है। ये वेरिएबल सेम है, ये भी वेरिएबल क्या है कि सेम है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि लाइक कहते हैं। लेकिन उसके बाद दूसरी पॉइंट के जो आपका कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट कोई भी होना चाहिए, उसको वो डिपेंड नहीं करता कि लाइक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 7x प्लस में क्या है कि 3x। क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं? जी हाँ, हम इसको ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है कि लाइक है। अब देखेंगे 7 प्लस में 3 कितने होते हैं कि 9 होते हैं। लेकिन यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, क्या आप x स्क्वायर लिखेंगे? नहीं, यहाँ पे क्या हम लिखेंगे कि 9x है। ये किसके हो गए कि 9x। उसके बाद क्या है कि ये प्लस के और ये भी क्या है कि प्लस के। यहाँ पे क्या है कि प्लस है, तो हम क्या करेंगे कि इसको प्लस 5 लिखेंगे। ठीक है, ये क्या हो कि ये एड हो गए। उसके बाद दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि यहाँ पे करते हैं कि 7x और उसके बाद प्लस में 5 प्लस में क्या है कि 5x स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करें कि इसको ऐड करें, किस तरीके से हम ऐड करेंगे? पहले तो हम देखेंगे कि ये क्या है कि लाइक है कि अनलाइक है। यहाँ पे देखेंगे 7x उसके बाद 5 उसके बाद क्या है कि 5x स्क्वायर, मतलब कि कोई भी इनमें लाइक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर कितना है कि 2 है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि अनलाइक कहते हैं। यहाँ पे मतलब कि हम यहाँ पे एडिशन नहीं कर सकते, ना तो हम यहाँ पे सब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसको हम वैसा ही लिखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं कि जो हमारे पास दो एग्जाम्पल है, उन दो एग्जाम्पल को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखें, फर्स्ट प्रॉब्लम में जो यहाँ पे ये इक्वेशन क्या है कि 3 इक्वेशन है, इनको हमें क्या करना है कि ऐड करना है। ठीक है, पहली हमारे पास कौन सी इक्वेशन है कि ये हमारे पास फर्स्ट और ये क्या है कि थर्ड और ये क्या है कि थर्ड सेकंड थर्ड। अब इन थर्ड इक्वेशन को हमें क्या करना है कि ऐड करना है। किस तरीके से हम ऐड करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर लिखेंगे पहला हमारे पास कौन सा है कि 7xy प्लस में क्या है कि 5yz। ठीक है, प्लस में क्या है कि माइनस 3x। तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 3xz है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो उसके बाद हम इससे सेकंड इक्वेशन क्या करेंगे कि ऐड करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको देखना है कि कौन सा इसमें लाइक है और कौन सा इसमें अनलाइक है। ठीक है, उसके हिसाब से आप यहाँ से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या है कि 4yz 9zx माइनस 4y, लेकिन यहाँ पे कौन से लाइक है, कौन से क्या है कि अनलाइक है, वो आपको पहले देखना है। ठीक है, यहाँ पे देखें 4xy है, लेकिन यहाँ पे xy कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या है कि माइनस 4yz माइनस, यहाँ पे देखें yz, यहाँ भी क्या है कि वेरिएबल्स कौन से हैं कि सेम वेरिएबल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे पावर भी क्या है कि सेम है।
इनके जो पावर है वो भी क्या है कि सेम है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे माइनस फोर जेड है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से माइनस और उसके बाद फोर वाई जेड लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्लस नाइन जेड एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जेड एक्स यहाँ भी क्या है कि सेम वेरिएबल्स हैं, सेम पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये प्लस का ये क्या है कि माइनस का है, तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे नाइन जेड एक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि माइनस फोर वाई, लेकिन यहाँ पे कोई भी मतलब कि ऐसा वेरिएबल्स नहीं जो यहाँ पे इसके जैसा हो, तो हम क्या करेंगे कि इसको माइनस फोर वाई यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन इसके हिसाब से यहाँ से ऐड करेंगे। अब देखें थ्री एक्स जेड, थ्री एक्स जेड यहाँ पे सेम इक्वेशन है, सेम यहाँ पे वेरिएबल, सेम क्या है कि पावर है, तो हम क्या करेंगे कि ये क्या है कि माइनस के, तो यहाँ से माइनस थ्री एक्स जेड, ठीक है। उसके बाद क्या है कि माइनस प्लस फाइव एक्स, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा वेरिएबल्स नहीं जो इसके लाइक हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे लिखेंगे कि प्लस फाइव एक्स, ठीक है। उसके बाद कौन सा है कि टू एक्स वाई, लेकिन यहाँ पे भी क्या है कि सेवन एक्स वाई जैसा वेरिएबल्स सेम है, तो हम इसको क्या करेंगे, लेकिन ये क्या है कि माइनस का है, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस टू एक्स वाई, ठीक है, टू एक्स वाई। अब देखें कि यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐड करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान करें कि यहाँ पे जो है कि यहाँ पे कोई भी नहीं, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जीरो प्लस करेंगे, और यहाँ पे भी क्या करेंगे प्लस जीरो करेंगे, और यहाँ पे भी कोई नहीं है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे प्लस जीरो करेंगे। अब देखें हमें किस तरीके से इनको ऐड करना है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे ऐड की निशानी लगा दें, यहाँ पे सेवन है, और उसके बाद क्या है कि माइनस के टू है, यहाँ पे जीरो तो जीरो का कोई भी नहीं होता, तो देखें सेवन में से माइनस टू आप करेंगे तो कितना होगा कि फाइव होगा, लेकिन फाइव प्लस का होगा या माइनस वो होगा, तो सेवन जो बड़ा है वो क्या है कि प्लस का है, तो ये क्या होगा प्लस फाइव एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्लस और माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है कि माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे फाइव जो है उसके बाद फाइव में से फोर जाएगा तो कितना बचेगा कि एक, ठीक है, एक तो होगा, लेकिन जो माइनस का होगा या प्लस होगा, प्लस का जो बड़ा नंबर है डिजिट है वो क्या है कि फाइव, वो प्लस का है, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस का वन होगा, और उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे कि वाई जेड लगाएंगे, ठीक है। थ्री एक्स जेड नाइन जेड एक्स, और उसके बाद थ्री एक्स जेड सेम है। अब देखें कि माइनस इंटू प्लस क्या होता है कि माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे थ्री में से नाइन जाएगा तो कितना बचेगा सिक्स, सिक्स किसके होंगे प्लस के होंगे, और यहाँ पे क्या है कि माइनस है। अब देखें सिक्स में से थ्री जाएंगे तो कितने बचेंगे, थ्री बचेंगे, लेकिन वो किसके होंगे कि प्लस के होंगे, क्योंकि प्लस क्या क्या है बड़ा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे माइनस इंटू प्लस क्या होता है कि माइनस होता है, लेकिन फोर में से जीरो जाएगा वो क्या होगा जीरो ही होगा। उसके बाद प्लस फाइव यहाँ पे एक्स हो गया, ठीक है। ये क्या हो गई हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई, जो हमने ऐड किस तरीके से करते हैं वो हमने यहाँ पे ऐड की, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास थर्ड सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल के हिसाब से हम किस तरीके से ऐड करते हैं। तो देखें हमारे पास सेकंड है, सेकंड एग्जांपल में जो हम किस तरीके से ऐड करते हैं, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई माइनस थ्री, ठीक है। अब देखें पहले तो हम क्या करेंगे कि फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर प्लस में क्या है कि सिक्स वाई माइनस क्या है कि थ्री है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसमें जो वेरिएबल्स हैं जो सेम है, इनमें जो वेरिएबल्स उनको हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखें कि यहाँ पे क्या है कि फाइव एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है कि सेवन एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे सेवन एक्स स्क्वायर। उसके यहाँ पे क्या है कि माइनस फोर एक्स, देखेंगे ये क्या है कि वेरिएबल में एक्स का पावर क्या है कि वन है, ठीक है। अब इनमें कोई ऐसा नहीं जो इसके लाइक हो, तो हम क्या करेंगे कि माइनस फोर को यहाँ पे माइनस फोर एक्स रखेंगे, ठीक है। अब और उसके बाद यहाँ पे क्या है कि एट वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या है कि वाई स्क्वायर वेरिएबल सेम है, तो हम क्या करेंगे कि प्लस में एट वाई स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे क्या है कि फाइव एक्स, लेकिन फाइव एक्स जैसा कोई भी यहाँ पे वेरिएबल नहीं, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे प्लस में फाइव एक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि माइनस थ्री वाई, आप देखेंगे ये प्लस का है तो ये क्या है कि माइनस थ्री वाई। अब देखें हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे कि जीरो लगाएंगे। अब देखें ऐड हम किस,
अब देखेंगे हम इसको किस तरीके से ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखें, जैसे हमने पहले वाले एग्जांपल में ऐड किया, वैसे ही आप क्या करेंगे कि ऐड करेंगे। यहाँ पे देखें वेरिएबल क्या है कि वेरिएबल सेम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये भी क्या है एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे फाइव प्लस सेवन तो कितने होते हैं कि ट्वेल्व एक्स स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या है कि प्लस है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है कि माइनस होता है। अब फोर में से एट जाएगा तो क्या होगा कि फोर, लेकिन ये प्लस के होंगे या माइनस के होंगे ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब देखें कि फोर माइनस वाला जो क्या है कि वो क्या है कि छोटा है, और यहाँ पे जो एट है वो क्या है कि बड़ा है, तो हम क्या करेंगे इसको हम प्लस का लिखेंगे। तो यहाँ पे प्लस और वाई स्क्वायर सेम ही होगा, और उसके बाद यहाँ पे भी क्या है कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है कि माइनस होता है, और यहाँ पे सिक्स में से थ्री जाएगा तो क्या होगा कि थ्री, लेकिन वो क्या होगा कि प्लस का होगा। प्लस का क्यों होगा, क्योंकि जो प्लस का सिक्स है वो थ्री से क्या है कि ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस में थ्री y लगेंगे, ठीक है। अब देखें जीरो जीरो तो कोई भी नहीं होता, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि सेम यहाँ पे माइनस थ्री का यहाँ पे लगेंगे, और उसके बाद ये जो है वो आप सेम यहाँ पे लिखेंगे माइनस फोर एक्स प्लस में फाइव एक्स। तो इस तरीके से हम ऐड करते हैं किसी भी इक्वेशन को, किसी भी एक्सप्रेशन को आप किस तरीके से ऐड करते हैं देखें। उससे पहले आप लाइक साइन और अनलाइक साइन को देखें, जो लाइक होगा उनको आप उन हिसाब से आप ऐड करेंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि सब्सट्रैक्शन हम किस तरीके से करते हैं और मल्टीप्लिकेशन हम किस तरीके से करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में।